In this video, we are going to study about the polarography. This is the last topic of syllabus of pharmaceutical analysis as per PCI. So, polarography is an electrochemical technique of analyzing the solution that measures the current flowing between two electrodes in the solution as well as gradually increase in applied voltage to determine respectively the concentration of solute and its nature. ठीक है, ये भी हमारी एक electrochemical technique है जिसमें हम कोई भी सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं. जो हम क्या कैसे करेंगे, हम इसमें हम उसका करंट जो उसमें फ्लो है हम उसको मेजर करेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रोड. जो हम बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स में कर रहे हैं वैसे इसका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एज वेल एज द ग्रेजुअली इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज टू डिटरमाइन. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है हम उसे भी डिटरमाइन कर रहे हैं इन रिस्पेक्टिव मतलब रिस्पेक्टिवली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड इट्स नेचर. अब हमारा जो सोल्यूट है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें हम वोल्टेज का चेंज इन वोल्टेज देखेंगे कि कितना वोल्टेज अप्लाई करा तो कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, प्लस हम उसका नेचर भी एनालाइज कर सकते हैं बाय पोलारोग्राफी. ठीक है, द प्रिंसिपल इंक्लूड इट इज़ अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव कंपाउंड्स मेटल आयंस दैट आर द मेटल आयंस बाय परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग पोलराइजेबल एंड अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स. इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, वन ऑफ विच इज पोलराइजेबल दैट इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड द अदर इज नॉन पोलराइजेबल लाइक कैलोमेल इलेक्ट्रोड एंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज रिकॉर्डेड. दिस इज द अपेरेटस और द असेंबली फॉर पोलारोग्राफी. हमारा ये पूरा अपना स्टैंड हो गया हमारा. उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर ग्लास कैपिलरी ले रखी है, इसमें हमारा ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड हेयर वी हैव अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. यहाँ पर हमारा काउंटर इलेक्ट्रोड दैट इज प्लैटिनम मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड यहाँ पर हमारा इनलेट ऑफ नाइट्रोजन गैस. ये हमारा हो गया रिजर्वियर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, सो दिस इज द असेंबली अपरेटस. नेक्स्ट, द मर्करी कॉन्टिन्यूअसली ड्रॉप्स फ्रॉम द रिजर्वियर. अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए जो मर्करी है इट इज़ कॉन्टिन्यूअसली ड्रॉपिंग फ्रॉम द रिजर्वियर थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इन टू द सोल्यूशन. हमारे जो सोल्यूशन है उसमें कॉन्टिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी मर्करी ड्रॉप होती रहेगी. द ऑप्टिमम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप फॉर मोस्ट एनालिसिस इज बिटवीन 2 to 5 seconds. ठीक है, यह चीज़ हमें ध्यान रखना है. इन पोलारोग्राफी चेंजेस इन करंट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोल्यूशन अंडर द स्टडी आर इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड एंड द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ईदर अ मर्क्यूरी पूल एट द बॉटम सेल और द कैलोमेर इलेक्ट्रोड. The data or results are obtained from an automatic recording instrument called as polarogram and the trace is called as polarographic wave. The polarogram is a graph of current versus potential in a polarographic analysis. Last में जो हमें graph obtained होगा वो किसका होगा, current का, current versus potential, जो हमारा potential difference आ रहा है हमारी analysis में उनके बीच में. ठीक है, now next topic है हमारा Ilkovic equation. अंडर पोलारोग्राफी है ये टॉपिक, पर सिलेबस में मतलब स्पेशली मेंशन है तो ये एक इंपॉर्टेंट है अपने आप में. ठीक है, अ रिलेशन यूज्ड इन पोलारोग्राफी रिलेटिंग द डिफ्यूजन करंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड दैट इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड एट द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड विच इज द पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड. ठीक है, मेजरली जो हमारा इल्कोविक इक्वेशन है हमें डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन देती है. डिफ्यूजन करंट क्या है, इट इज़ अ करंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज टू ड्रॉप सर्फेस. ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रो एक्टिव सर्फेस है दैट आर द मेटल आयंस जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा हमारा डिफ्यूजन करंट. एंड द इल्कोविक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये हमारी इल्कोविक इक्वेशन आई डी दैट इज द डिफ्यूजन करंट 708 mCd पावर हाफ एम 2/8 t/1/6. ठीक है, वेयर आई डी इज़ द डिफ्यूजन करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव सब्सटेंस, डी इज़ द डिफ्यूजन कोफिशियंट इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स पर लीटर, एम इज़ द मास ऑफ मर्करी फ्लोइंग फ्रॉम डी एम ई इन मिलीग्राम पर सेकेंड एंड टी इज़ द ड्रॉप टाइम इन सेकेंड्स. ठीक है, सो ये हो गया हमारे इल्कोविक इक्वेशन. अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इल्कोविक इक्वेशन तो आपको बस इतने इक्वेशन लिखना है, फिर आपको लिखना है कि इसमें कौन सा जो टर्म है वो क्या डिनोट कर रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ टू बी कवर्ड इज़ द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. यहाँ पे हमारी कैपिलरी है, यहाँ पे हमारी ड्रॉप ऑफ मर्करी ड्रॉप हो रही है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो 2 to 5 seconds के बीच का इंटरवल में ड्रॉप होती है. इसमें भी मर्करी फिल है और इसमें भी हमारी, इसमें हो गया हमारे लेड वायर और प्लस इसमें भी हमारी मर्करी फिल होगी. ठीक है, यह है हमारी फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग.
द फिगर शोज टिपिकल ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. इट कंसिस्ट ऑफ रफली 10 सेंटीमीटर ऑफ अ फाइन कैपिलरी ट्यूबिंग. डायमीटर ऑफ कैपिलरी सच दैट अ न्यू ड्रॉप फॉर्म्स एंड ब्रेक इन एवरी 2 to 5 or 6 seconds. द डायमीटर ऑफ ड्रॉप इज 0.5 to 1 millimeter एंड इज हाईली रिप्रोड्यूसिबल. इन सम एप्लीकेशन द ड्रॉप टाइम इज कंट्रोल्ड बाय अ मैकेनिकल नॉकर दैट रिमूव्स द ड्रॉप एट अ फिक्स्ड टाइम आफ्टर इट बिगिंस टू फॉर्म. फर्दर मोर अ फ्रेश मेटेलिक सर्फेस इज फॉर्म्ड बाय सिंपल प्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रॉप. द फ्रेश रिप्रोड्यूसिबल सर्फेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द करंट मेजर्ड आर वेरी सेंसिटिव टू क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंसेज. ठीक है, सो ये तो हमारे इसका कंस्ट्रक्शन हो गया ऑफ दी हमारी पोलैरोग्राफी या फिर हमारा ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का. नाउ लेट्स सी इज वर्किंग. द ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज अ पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड कैन वर्क एज बोथ एनोड एंड कैथोड. एंड द काउंटर इलेक्ट्रोड इज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड. ठीक है, टू द एनालाइट सोल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन है दैट इज टू बी एनालाइज, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, पोटेशियम क्लोराइड हम ऐड करेंगे. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली यूज इज पोटेशियम क्लोराइड. दैट इज 30 to 100 टाइम्स ऑफ सैम्पल्स और कॉन्सेंट्रेशन. प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द सोल्यूशन टू एक्सपेल आउट द ऑक्सीजन. ठीक है, हमें ऑक्सीजन रिमूव आउट करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को बबल कर रहे हैं उसमें. देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पोलैरोग्राफिक सेल एंड द करंट इज रिकॉर्डेड. फिर हमने अप्लाई करा उसमें वोल्टेज और जो हमारे करंट की रीडिंग आई वो हमने रिकॉर्ड कर ली. ठीक है, फिर क्या हुआ, बस हमारे पास रीडिंग्स आ गई. अब हमें ग्राफ प्लॉट करना रहेगा. द ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट. दिस ग्राफ इज कॉल्ड द पोलैरोग्राफ. लास्ट में जो हम रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट, उसको हम बोल रहे हैं पोलैरोग्राफ. ठीक है, और ये जो पूरा हमारा अपरेटस है इसको हमने बोला है पोलैरोग्राफ. द डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड इट इज यूज इन द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड हैज़ अ डिसएडवांटेज दैट इट कैन नॉट बी यूज एट हाई पोटेंशियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ मर्क्यूरी. क्योंकि मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए हम मर्क्यूरी, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमें क्या करा है, देयरफॉर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज इन सच केसेस. अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज रोटेटेड. इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रोटेटेड तो मतलब क्यों है ऐसा. इफ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज स्टेशनरी देन द डिफ्यूज करंट विल बी स्लोली अटेंड. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रोटेटेड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी एंड द रेट ऑफ अटेनिंग स्टेडी डिफ्यूजन करंट. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. कॉपर वायर है हमारे पास, में हमारी मर्क्यूरी फील्ड है, प्लस हमारे पास एक कॉपर वायर नीचे तक ही आ रही है, और यह हो गया हमारा प्लैटिनम वायर. द इलेक्ट्रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मर्क्यूरी सील. इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5 millimeter प्लैटिनम वायर हैविंग 0.5 millimeter डायमीटर बिलो स्टैंडर्ड मर्क्यूरी सील बाय पासिंग थ्रू द स्मॉल होल. अ वायर फ्रॉम मर्क्यूरी सील इज कनेक्टेड टू द सोर्स दैट अप्लाइज वोल्टेज. द ट्यूबिंग फॉर्म्स द स्टेम विच इज रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 600 RPM. ठीक है, 600 rounds per minute. वर्किंग इंक्लूड रोटेटिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. टू द एनालाइट सोल्यूशन सपोर्टिंग एनालाइट लाइक पोटेशियम क्लोराइड इज एडेड अगेन 50 to 100 टाइम्स ऑफ सैम्पल कॉन्सेंट्रेशन. देन प्योर नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड. सेम प्रोसीजर है हमारा, थ्रो द सोल्यूशन टू एक्सपेल आउट द डिजोल्व ऑक्सीजन. सिमिलरली जैसे हमने ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में किया था, हमने हमारी ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट किया था बाय बबलिंग द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस. सेम हमने यहाँ पे रिपीट किया. पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड द टाइट्रेशन इज स्टार्टेड. ठीक है, फिर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और टाइट्रेशन स्टार्ट करी. फिर जो हमें रीडिंग्स मिलती है हमने वो रीडिंग्स लिखते गए अपने पास, और लास्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस डिफ्यूजन करंट. ठीक है, और फिर हमने एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लिया इससे. द एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी इंक्लूड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच हेल्प इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरियस मेटल इंटरेक्शंस फ्रॉम हाफ वेव पोटेंशियल ऑफ करंट वर्सेज द वोल्टेज ग्राफ. फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो पोलैरोग्राफी इज यूज. इट इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स मेटल आयंस एक्सेट्रा इन द गिवन सैम्पल. डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो डन बाय द पोलैरोग्राफी. Determination of organic compounds is also done by polarography. Also, the estimation of dissolved oxygen is done, and the pharmaceutical application include tetracycline sulfonamides analysis. This the analysis of tetracycline and sulfonamides can also be done by polarography. So these are certain applications of polarography. I hope it is clear to you. Thank you.
लास्ट में जो हम रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जो हमने ग्राफ प्लॉट कर रहा है बिटवीन व्हाट बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट, उसको हम बोल रहे हैं पोलैरोग्राफ, ठीक है। और ये जो पूरा हमारा एपरेटस है इसको हमने बोला है पोलैरोग्राफ। द डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड इट इज यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। Dropping mercury electrode has a disadvantage that it cannot be used at high potential due to the oxidation of mercury. क्योंकि mercury का oxidation हो जाता है इसलिए हम mercury dropping mercury electrode को हर जगह use नहीं कर सकते। तो इस drawback को हटाने के लिए हमें क्या करा, therefore platinum electrode is used in such cases. अब platinum electrode is rotated, is platinum electrode rotated? तो मतलब क्यों है ऐसा? इफ़ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज स्टेशनरी देन द डिफ्यूज करंट विल बी स्लोली अटेंड। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रोटेटेड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी एंड द रेट ऑफ अटेनिंग स्टेडी डिफ्यूजन करंट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कॉपर वायर है हमारे पास में, हमारी मर्करी फील्ड है प्लस हमारे पास एक कॉपर वायर नीचे तक ही आ रही है और यह हो गया हमारा प्लैटिनम वायर। द इलेक्ट्रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मर्करी सील। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5 mm प्लैटिनम वायर हैविंग 0.5 mm डायमीटर बिलो स्टैंडर्ड मर्करी सील बाय पासिंग थ्रू द स्मॉल होल। अ वायर फ्रॉम मर्करी सील इज कनेक्टेड टू द सोर्स दैट अप्लाइज वोल्टेज। द ट्यूबिंग फॉर्म्स द स्टेम विच इज रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 600 RPM, ठीक है, 600 rounds per minute। वर्किंग इंक्लूड रोटेटिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, टू द एनालाइट सोल्यूशन। सपोर्टिंग एनालाइट लाइक पोटेशियम क्लोराइड इज एडेड अगेन 50 to 100 times ऑफ सैम्पल कॉन्सेंट्रेशन, देन प्योर नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड। सेम प्रोसीजर है हमारा थ्रू द सोल्यूशन टू एक्सपेल आउट द डिजॉल्व ऑक्सीजन। सिमिलरली जैसे हमने ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में किया था, हमने हमारे ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट किया था बाय बबलिंग द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, सेम हमने यहाँ पे रिपीट किया। पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड द टाइट्रेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। फिर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और टाइट्रेशन स्टार्ट करी, फिर जो हमें रीडिंग्स मिलती है हमने वो रीडिंग्स लिखते गए अपने पास और लास्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वर्सेज डिफ्यूजन करेंट, ठीक है, और फिर हमने एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लिया इससे। द एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी इंक्लूड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच हेल्प इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरियस मेटल इंटरेक्शंस फ्रॉम हाफ वेव पोटेंशियल ऑफ करंट वर्सेज द वोल्टेज ग्राफ। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो पोलैरोग्राफी इज यूज, इट इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स मेटल आयंस एक्सेट्रा इन द गिवन सैम्पल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल्सो डन बाय द पोलैरोग्राफी। Determination of organic compounds is also done by polarography. Also the estimation of dissolved oxygen is done and the pharmaceutical application include tetracycline sulfonamides analysis. This the analysis of tetracycline and sulfonamides can also be done by polarography. So these are certain applications of polarography. I hope it is clear to you. Thank you.